प्यारे छात्रों, अब हम इतिहास का दूसरा पाठ देखेंगे, नए राजा और उनके राज्य। इस अध्याय में हम मध्ययुग के प्रमुख राजाओं के बारे में जानकारी लेंगे और उनके राज्यों का विस्तार अपने देश में कहाँ तक रहा, किस प्रकार से शासन व्यवस्था थी, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इस अध्याय में हम 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्रमुख राज्य हुए उनके बारे में जानकारी देखेंगे। इसमें उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में जो राज्य होकर गए उनकी निश्चित सीमाएं नहीं थी, क्योंकि राजा एक दूसरे के राज्य को जीतता था, जिससे सीमाएं बदलती रहती थी। इसलिए ऐसे सीमाओं को परिवर्तनशील सीमाएं ऐसा कहा गया है, क्योंकि राज्य हमेशा एक दूसरे को क्षेत्र जीत लेता था। यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्तर में गंगा नदी, यमुना नदी के मैदानी क्षेत्र में चाहमान, गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चंदेल, यह प्रमुख राज्य थे। उसी प्रकार बंगाल में पाल शासक थे और असम के क्षेत्र में कामरूप यह राज्य था। दक्षिण में अगर हम देखें तो मध्य भारत राष्ट्रकूट, दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांड्य, पूर्वी तटीय क्षेत्र में पूर्वी चालुक्य, कलिंग, उत्कल, यह प्रमुख राज्य थे। अपने इस भारत के मानचित्र में इन राज्यों को दर्शाया गया है। अब हम देखेंगे नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। भूस्वामी का मतलब है गांव का प्रमुख, जिसके पास बहुत सारी जोतने योग्य भूमि उपलब्ध हो। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। मातहत का मतलब है सरदार या राजा को मदद करने वाला। ऐसे जो भूस्वामी और योद्धा सरदार थे, उनसे राजा उम्मीद करता था कि वे राजा के लिए उपहार लाए, राजा जब बुलाए तो दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। जब भी राजा को लगता था कि सैनिकों की जरूरत है, दूसरे राजा पर आक्रमण करना है, तो वह अपने राज्य के अंतर्गत भूस्वामी और सरदारों को बुलाता था। वह इन सरदारों के सहायता से संपदा और आसपास के क्षेत्र में सत्ता हासिल करने के लिए उपयोग करता था। ऐसे भूस्वामी और सरदार खुद को महासामंत, महामंडलेश्वर इस प्रकार से घोषित करते थे। इसी प्रकार एक योद्धा परिवार किस प्रकार राजा बनकर राजसत्ता हासिल की, इसका उदाहरण दक्षिण में राष्ट्रकूटों का है। राष्ट्रकूट ये जो राजसत्ता निर्माण हुई, शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान, जिसका नाम था दंती दुर्ग, यह उसने
अपने चालुक्य स्वामी को हराया और उस समय कोई भी व्यक्ति राजा नहीं बन सकता था, सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे। और जो राजा के घर में जन्म लिए है ऐसे ही बेटों को, लड़कों को ही राजा बनाया जा सकता था। राष्ट्रकूट तो क्षत्रिय थे लेकिन वह राजा नहीं थे, उनके पूर्वज राजा नहीं थे, सरदार थे। इसलिए ब्राह्मणों की सहायता से उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया जिसके द्वारा एक सरदार राजा के रूप में बदल गया। इससे याजक यानी यह अनुष्ठान करने वाला जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता था। इस प्रकार राष्ट्रकूट एक सामान्य सरदार से दंती दुर्ग जो था वह राजा बन गया। एक और अन्य उदाहरण भी दक्षिण भारत के सरदार परिवारों का है। इसमें ऐसे कुछ पुरुषों ने जो उद्यमी परिवार से थे उन्होंने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया था। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र, यह ब्राह्मण थे दोनों भी। ब्राह्मणों का काम उस जमाने में भी वेदों का अध्ययन करना, मंत्रोच्चारण करना, पूजा विधि करना, इस प्रकार से मर्यादित रूप में था। लेकिन ये दोनों ने भी, कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र, इन्होंने अनुष्ठान किया, अपनी पूजा विधि और ये परंपरागत व्यवसाय या पेशा जो था उसे छोड़ दिया और शस्त्र को अपनाया। और इन्होंने, कदम्ब मयूर शर्मन ने कर्नाटक और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ने राजस्थान में अपने सफलतापूर्वक राज्य स्थापन किए। छात्रों, इस प्रकार से राष्ट्रकूट हो, कदम मयूर शर्मन हो या गुर्जर प्रतिहार हो, यह सरदारों ही थे लेकिन इन्होंने अपने राजाओं को हराकर खुद राजा बनने का प्रयास किया जिससे वो सफल रहे थे। इस प्रकार नए राजवंशों का निर्माण हुआ था जो अपने अध्याय का नाम है। अब ये नए निर्माण हुए राज्यों में प्रशासन किस प्रकार चलता था। इन नए राजाओं में कई राजाओं ने खुद को महाराजाधिराज यानी अन्य राजाओं को जीतने वाला, त्रिभुवन चक्रवर्तीन, इसका मतलब है कि आसपास के सभी क्षेत्रों को जीतने वाला, इस प्रकार की भारी भरकम उपाधियां खुद के लिए धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों के और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। यानी वह खुद त्रिभुवन चक्रवर्ती था या महाराजाधिराज था लेकिन उसको गांवों का प्रशासन संभालने के लिए सामंत, किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों से सहायता लेनी पड़ती थी। इन सभी राज्यों में उत्पादक जो था यानी जो पैसा देने वाले लोग थे उसमें अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारागिरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। सभी प्रकार से करों के रूप में पैसा भी देते थे या अपनी सेवाएं या उत्पादित वस्तुओं को दिया जाता था। उनको अपने उत्पादन का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, यानी जो किसान अपने उत्पादन को राजा को देते थे
पशुपालक उत्पादन को राजा को देते थे उसे लगान मानकर भी जमा किया जाता था, क्योंकि ये जमा करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व यानी कर जो था लगान, वह व्यापारियों से भी लिया जाता था, क्योंकि व्यापारी यह घुमंतु एक राज्य से दूसरे राज्य में आते जाते रहते थे और किसान, पशुपालक और कारागीर उसी राज्य में रहने वाले स्थायी लोग हुआ करते थे। इस प्रकार से इन सभी लोगों से कर या लगान लेकर इन राज्यों का प्रशासन चलता था। इन राज्यों में विभिन्न प्रकार से कर जमा किया जाते थे, उसके बारे में प्राचीन अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल राजवंशों के अभिलेखों से विभिन्न प्रकार के कर 400 से ज़्यादा सूचक शब्दों में मिलते हैं, यानी जो कर लिए जाते थे उसके बारे में बताया गया है। ऐसे शब्द हैं जो 400 से ज़्यादा है, उसमें से जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्द थे उनको यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि ये देखिए वेट्टी, ये जो वेट्टी नाम का कर है यह जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरदस्ती से श्रम करवाना उसे वेट्टी कहा जाता था। और एक प्रकार था कदमाई, तो कदमाई का मतलब था भू राजस्व मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, यानी ये ऐसा राजस्व भू राजस्व था कर ऐसा था ये जिसे कदमाई कहते थे। जिस व्यक्ति का पक्का मकान है यानी घर के ऊपर जो छत डालते हैं, तो ऐसे छत डालने वाले जितने भी गांव में घर होंगे उन सभी लोगों को कर देना पड़ता था। जिसका घर के ऊपर छत था यानी पक्का घर हो जाता था, उसका मतलब उस गांव का वह अच्छा खासा उत्पादन करने वाला किसान हो सकता है, कारागिर हो सकता है या पशुपालक हो सकता है, इसलिए वह कर देने के लिए आवश्यक माना जाता था, इसलिए उसे कदमाई भू राजस्व ऐसा कहा जाता था। और एक प्रकार का शब्द दिया गया है, यह दक्षिण भारत का होने के कारण यहाँ खजूर या ताड़ के बहुत सारे पेड़ थे। यह पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, अब इस पर जब फल पक जाते हैं तब उन फलों से निकालने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है, और ऐसे जिसके पास बहुत ज़्यादा पेड़ है वही व्यक्ति सीढ़ी बनवा कर अपने पास रखता होगा। इसलिए जिन घरों में सीढ़ियाँ पाई जाती थी खजूर और ताड़ के वृक्षों के फल तोड़ने के लिए, तो उन परिवारों से भी कर लिया जाता था। इस प्रकार से अलग अलग 400 प्रकार थे जो कर लेने के लिए दक्षिणी भारत के अभिलेखों में उल्लेखित किए हैं। प्यारे छात्रों, अब इस ज़माने की जो मध्ययुग की जानकारी हमें प्राप्त होती है वह विभिन्न प्रकार के अभिलेखों के द्वारा। अब इन अभिलेखों के अलग अलग प्रकार होते थे, जैसे कि राजा के बारे में प्रशंसा करने वाला जो अभिलेख होता था उसे प्रशस्तियाँ कहा जाता था, और ऐसे प्रशस्तियों द्वारा कुछ राजा भी अपने सामंतों को और भूस्वामियों को, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देते थे। इसलिए इस स्लाइड पर हम देखेंगे प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ का मतलब है कि हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। अब सभी प्रशस्तियाँ सही होंगी या ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे प्रशस्तियाँ लिखने वाले राजा को अनुकूल लगेगा ऐसा ही लिखते थे। खैर, राजा उस प्रकार का ना हो तो भी वह राजा के बारे में अच्छाई आई लिखते थे, क्योंकि राजा उसी के बदौलत प्रशस्तियाँ लिखने वाले को इनाम देता था। अब यह जो प्रशस्तियाँ रहती थी वह
शूरवीरता के लिए लिखी जाती थी, विजयी योद्धाओं के रूप में लिखी जाती थी और यह रचने वाले लिखने वाले कोई विद्वान ब्राह्मण ही होते थे जो अक्सर राजा को प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग ऐसे प्रशस्तियाँ लिखने वाले लोगों को भूमि अनुदान में देते थे और यह भूमि अनुदान ताम्र पत्रों पर यानी तांबे का जो पत्रा होता है उसके ऊपर लिखकर ऐसे दिया जाता था। तो इस प्रकार से प्रशस्तियाँ उन्हें प्राप्त होती थी। प्यारे दोस्तों, ताम्र पत्र इस चित्र में देखिए, यह तांबे के अलग अलग पत्रे के टुकड़े हैं जिस पर तमिल और संस्कृत ऐसी दोनों में लिखा गया है और इसे ये देखिए ये तार से बांधा गया है। इसे यह जो कड़िया लगाई गई है उसको यहाँ पर एक मुहर लगाई गई है वह भी तांबे की है और उससे पता होता है कि यह प्रमाणित दस्तावेज है यानी राजा द्वारा इसे प्रमाणित किया गया है। इस पर जो लिखा गया है उसका पालन सभी लोगों ने करना है। तो इस प्रकार से ताम्र पत्र एक इतिहास का जो आज हम साधन के रूप में लिखित साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं वह राजाओं द्वारा सामंतों और योद्धाओं को दिया जाता था। यह जो भूमि अनुदान में दी जाती थी उसके साथ साथ और भी चीज़ें दी जाती थी और देखिए मेरे छात्रों, इस 7वीं-8वीं शताब्दी में इसका बहुत अच्छी तरह से ब्यौरेदार अभिलेखों में वर्णन किया गया है। ऐसा ही एक चोल राजाओं द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश यहाँ पर दिया है। अब उस भूमि अनुदान के अभिलेख में क्या लिखा है देखिए, हमने मिट्टी के मेंढे बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमा को चिन्हित कर दिया है यानी जो भूमि अनुदान में दी गई है उसके चारों ओर से मिट्टी का एक ऊंचा भाग बनाया गया है जिसे मेंढ यानी दो विभाग करने वाली रेखा ऐसा कहा जाता है। साथ ही उसके ऊपर भी कांटे वाले जो झाड़ होते हैं छोटे छोटे झाड़ियाँ होती है उसको लगाया है ताकि दूसरा कोई उस ज़मीन पर अतिक्रमण ना करे, उस ज़मीन को अपने कब्जे में ना ले, यानी एक निशान बनाकर चिन्हित करके दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं यानी उस भूमि पर क्या है जो भूमि अनुदान में दी गई। अगर मान लो आम के या ऐसे कोई नारियल के पेड़ है तो इसलिए फलदार वृक्ष, पानी यानी वहाँ कोई कुआ है तो या नाला जा रहा है नदी जा रही तो वह भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, चारागाह यानी जानवर चराने के लिए, एक गांव यानी उसके अंदर कोई अगर छोटे मोटे घर बनाकर लोग रहते हैं तो वो भी उसे, क्योंकि बड़ा एरिया भूमि अनुदान में दिया जाता था। कभी कभी आज के दो चार गांवों का ये क्षेत्र जो है वह भूमि अनुदान में मिलता था यानी उसके बीच में कुछ छोटे मोटे गाँव भी हुआ करते थे। वह भी चबूतरे, नहरें यानी कैनाल, खाइयों का मतलब कोई बड़े गड्ढे, नदियाँ, दलदली जमीन यानी कीचड़ वाली ज़मीन, हौज यानी पानी के पीने की व्यवस्था, जिस हौज, अन्नागार अन्न रखने के लिए, मछलियों के तालाब यानी ऐसे तालाब जिसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं और उस क्षेत्र में जो पेड़ पौधों पर मधुमक्खियाँ हैं तो उसके छत्ते और गहरी झीले, इस प्रकार से इन सारी चीज़ों के साथ हम दे रहे हैं ऐसा उसका वर्णन रहता था। जिस व्यक्ति को ये भूमि दी जाती थी या जिस परिवार को ये भूमि दी जाती थी उससे इस क्षेत्र का कर वसूली किया जाता था। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगाने वाला कर यानी कौन कौन से कर वह उन क्षेत्र से जमा कर सकता है, ऐसा व्यक्ति जो भूस्वामी है जिसे भूमि अनुदान में मिले हुआ। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर यानी उस क्षेत्र में अगर बुनकर लोग हैं तो उनसे भी कर मिलता था। साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों से बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है
यानी वह बहुमंजिला इमारत बना सकता खुद के लिए रहने के लिए, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। तटबंध का मतलब जो नदी बहती है उसका पानी फैलने से रोका जाए, इसलिए नदी के जो किनारे होते हैं उसके ऊंचा मिट्टी डालकर ऊंचा बनाया जाता है ताकि जो पानी है वह नदी के बीच में से ही बहे, उसे तटबंध कहते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारियां एक बार भूमि अनुदान मिलने के बाद भूस्वामी को लागू करनी होती है और उसे उसका पालन करना पड़ता है। छात्रों, अब हमने देखा कि राजाओं के या भूस्वामियों के बारे में प्रशस्ति या प्रशंसा करने वाले लेख और उनको मिलने वाली अनुदानित भूमियाँ। अब एक ऐसा भी क्षेत्र था जैसे कश्मीर का, वहाँ कलहन नाम का एक लेखक होकर गया। इस कलहन ने 12वीं शताब्दी में संस्कृत में एक काव्य की रचना की है जिसका नाम है राजत रंगिनी। और ये राजत रंगिनी जो ग्रंथ है उसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास लिखा है। कलहन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, वहाँ के दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले इसके इतिहासकारों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। यानी इसने जो अपना लेखन किया है उसमें जो प्रशंसा के लेख थे या अन्य इतिहास के जो स्रोत दस्तावेज थे उसके बारे में जो गलत बातें हैं उनको उसने उजागर किया है, उसे आलोचनात्मक लिखना या टिप्पणी देना ऐसा कहते हैं। इसलिए 12वीं सदी के लिए कलहन का यह ग्रंथ बहुत ही एक असाधारण ग्रंथ माना जाता है। इस युग के शुरुआती दौर में बहुत सारे जो नए राजा बन रहे थे, इसका मतलब क्या है कि वह किसी ना किसी दूसरे राजा को हराते थे या उसका राज्य हड़प लेते थे, उसके राज्य को जीतते थे। बहुत सारे ये जो नए उभरते हुए राजा थे, पुराने राजा थे, वह हमेशा आपस में लड़ाई झगड़े करते थे। वह मुख्य रूप से धन के लिए होते थे, जमीन के लिए होते थे, क्षेत्रों के और व्यापारी मार्गों को हासिल करने के लिए होते थे। अब यहाँ उदाहरण के रूप में गंगा नदी के घाटी में कन्नौज इस शहर का उदाहरण दिया गया है। उस जमाने का एक महत्वपूर्ण गांव था कन्नौज, मानचित्र में देखिए गंगा नदी के किनारे पर। यहाँ उत्तर और दक्षिण भारत के हरेक राजा इसको अपने कब्जे में लेना चाहता था, कन्नौज को। क्यों लेना चाहता होगा? उत्तर मध्य भारत का जो गुर्जर प्रतिहार थे, यहाँ देखिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट जो दक्षिण और पश्चिम भारत में पाए जाते हैं राज्य राष्ट्रकूटों का, और पाल जो बंगाल के पाल थे, ये तीनों राज सत्ताएं आपस में हमेशा लड़ती रही कन्नौज को जीतने के लिए। क्यों जीतना चाहती होगी कन्नौज को? तो कन्नौज ऐसी जगह पर था जो एक तो मैदानी गंगा की घाटी का क्षेत्र था, उपजाऊ भूमि थी, आसपास का क्षेत्र अच्छे सघन जनसंख्या और किसानों का था, साथ ही साथ इधर पूर्वी चीन की तरफ से आने वाला व्यापारी मार्ग, पश्चिमी यूरोपीय देशों से आने वाला व्यापारी मार्ग जो गंगा की घाटी से गुजरता था उस पर एक कन्नौज था। और इसलिए इन तीनों शासकों में पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इसमें लगातार लड़ाइयाँ होती रही। कभी पाल इसे जीत लेते थे कन्नौज को, तो कभी गुर्जर प्रतिहार, तो कभी राष्ट्रकूट, इस प्रकार से तीनों में यह संघर्ष चलता रहा, इसलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष ऐसा कहा जाता है।